तो स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा नाइन पे दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2024 25 में होने वाली सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं के लिए यहाँ पर एग्जाम डेट का आयोजन कर दिया गया है जिसमें कौन कौन से डेट में आपके जितने भी यहाँ पर जैसे प्री बी हो गया डी हो गया आपके बी ए बी एड बी एस प्री एमएससी नर्सिंग यहां पर सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं का यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से डेट में इन सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाना है जिसमें यहाँ पास आप देख पाएंगे सबसे फर्स्ट में यहाँ पर प्री एमएससी का बताया गया है जिसमें यहाँ पर इसका विभाग है तकनीकी शिक्षा विभाग जिसके माध्यम से यहाँ पास आपका काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ कराई जाती है तो यहाँ पास के लिए देख पाएंगे एग्जाम डेट तीस पाँच दो हज़ार चौबीस थर्ज को निर्धारित की गई है और यहाँ पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एम नर्सिंग इन सभी का डेट यहाँ पर सेम रहेगा जिसमें यहाँ पर टाइमिंग देख पाएंगे किस प्रकार से रहेगा उसकी भी जानकारी दे दी गई है इसी के साथ यहाँ पर प्री बी और डी इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपके इसी में रहता है पिछले सत्र अगर हम बात करें प्री बी में तो यहाँ पर दो लाख से भी ज़्यादा आवेदन यहाँ पास एंट्रेंस एग्जाम में गए थे इस बार भी यहाँ पास ज़्यादा ही कंपटीशन रहेगा क्योंकि यहाँ पास भरपूर मात्रा में शिक्षक भर्ती भी किए जानी है और इसी को देखते हुए यहाँ पर इस साल भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं तो इसका काउंसलिंग किस प्रकार से होता है इसमें फॉर्म अप कैसे भर पाएंगे इसके ऊपर भी दोस्तों कंप्लीट वीडियो हम आगे लाएंगे ही लाएंगे तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप सभी चीज़ों का अपडेट सही टाइम पर मिलता रहे तो यहाँ पर देख पाएंगे बी और डी की प्रवेश परीक्षा की यहाँ पर तिथि है यहाँ पर दो छः दो हज़ार पर संडे को रहने वाली है ठीक है तो ये संभावित तिथि बताई गई है इसमें कुछ चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर पी का भी आप देख पाएंगे यहाँ पर छः छः दो हज़ार चौबीस है और यहाँ पर पी का देख पाएंगे इसी डेट में ही रखा गया है ठीक है इसी के साथ यहाँ पर बी नर्सिंग की अगर हम बात करें और इसी के साथ यहाँ पर प्री बी और डी एल की सॉरी बी ए और बी एस की बात करें तो ये इनका भी यहाँ पर तेरह छः दो हज़ार चौबीस को रखा गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर पी ए की बात करें तो छः सोलह छः दो हज़ार चौबीस को रखा गया है साथ ही यहाँ पर पीपीटी का भी आप देख पाएंगे तीस छः दो हज़ार चौबीस को रखा गया है तो ये पीडीएफ दोस्तों हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे ठीक है वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं और इन एग्ज़ाम डेट को आप ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय है आपको एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी रहता है तो आप जितने अच्छे रैंक लेंगे उसी के अनुसार यहाँ पास आपको इसमें सीट अलॉट होगी तो अभी से आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से और एक चीज़ और बता दी कि अब आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको शुल्क देना नहीं होता है ठीक है छत्तीसगढ़ की निवासियों को तो आप इन सब का फॉर्म निःशुल्क ही भर पाएंगे कैसे भरेंगे कंप्लीट वीडियो आ जाएगा ठीक है इसके लिए निश्चिंत रहिएगा इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि अंतिम तिथि त्रुटि सुधार सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे ठीक है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस आपको यही सारी जानकारी देने के लिए आए थे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जय हिंद